जिस तरह पुलगांव नाला से बहकर आने वाले जलकुंभियों को रोकने डायवर्जन निर्माण किया गया था, उसकी पोल शनिवार को हुई 3 घंटे की बरसात ने खोल दी। शहर को निरंतर शुद्ध पेयजल सप्लाई व्यवस्था को सुधारने की गलत से शिवनाथ नदी किनारे पुलगांव नाले से इंटरवेल में जलकुंभी न फंसे, इसे लेकर डायवर्जन बनाया गया था। साथ ही मिट्टी से मेड़ बनाकर पानी को रोकना चाहा गया, जो धरातल में फुटकर तेजी से बहता नदी में जाता नजर आया। इसे लेकर ग्रैंड न्यूज के दुर्ग संवाददाता ने शिवनाथ नदी पहुंचकर डायवर्जन स्थल से पुलगांव नाले के गंदे पानी के साथ बहकर आ रही जलकुंभियों का जायजा लिया। जी, इस वक्त हम खड़े हैं पुलगांव नाला डायवर्सन की तरफ, जहां आप देख सकते हैं कि शहर को उत्तम पानी व्यवस्था करने के लिए डायवर्सन के माध्यम से जलकुंभी के रोकने के लिए नगर निगम द्वारा प्रयास किया गया था और डायवर्सन का निर्माण किया गया था, मगर इसकी धरातल में सच्चाई कुछ और आपको मेरे पीछे नज़र आ रही होगी कि बारिश के पानी से बहते इस डायवर्सन कटाव की तरह बह रहा है, जिसको कोई रोक नहीं है और इसके चलते डायवर्सन में बहकर आने वाली जलकुंभियां सीधा इंटकविल में जाकर फंस रही है। नगर निगम की ये लापरवाही कह जाए या अनदेखी, जिसके चलते समय और पैसे की बर्बादी के बाद भी जलकुंभियां बहकर इंटकविल तक पहुंच रही हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से डायवर्सन के काम को कंप्लीट बताया जा रहा था, जो इस बारिश के पानी में बहता नज़र आ रहा है, यह डायवर्सन अब तक कोई कारगर साबित ना होकर सिर्फ लोगों को परेशानी का सबब पैदा कर रहा है, जिसको लेकर आज पानी की सप्लाई को लेकर शहरवासी परेशान हैं। अब ये देखना है कि नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यापक व्यवस्था कर शहरवासियों को पानी की व्यवस्था करते हैं। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।